डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। एक्चुअली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट भी होता है, वोल्टमीटर। दैट इज वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत छोटा सा। बट फिर ऐसा क्वेश्चन आता है मन में कि भैया अगर वोल्ट मीटर की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर सकते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो इतना बड़ा अरेंजमेंट लेने की क्या जरूरत है हमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली क्या बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियोमीटर होता है दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्यूरेटली, एग्जैक्टली। क्यों ऐसा है? बिकॉज इट offers infinite resistance to the flow of current whenever it is used to take reading. जबकि voltmeter क्या होता है, वो अपने में से कुछ current को allow कर देता है to pass through it. मतलब मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं, it offers a finite resistance to the flow of current. So अब हम देखेंगे इसमें कि potentiometer को potential difference measure करने के लिए exactly कैसे use किया जा सकता है। उसके लिए मैंने यहां पूरा सेटअप बनाया है। सो दिस इज द सेटअप। इसमें अगर हम देखें, यहां पे जो पोटेंशियोमीटर वायर है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब आप ये मत सोचें कि भैया यहां तो एक ही वायर ली है, जबकि पोटेंशियोमीटर में तो 4 या 8 या 10 वायर्स होती हैं। ये सिर्फ डायग्राम को छोटा रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए बनाया गया है ऐसा। अब उसके बाद ये ए पॉइंट से कनेक्टेड है 2 सेल की बैटरी जिसका EMF E है, आगे एमीटर, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स दैट इज दिस वन। अगर हम देखें तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, अगर आप देख सके दिस वन, और इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं, एनग्रेव्ड हैं उनकी वैल्यूज। अगर हम देखें ये सारा, सो दिस इज ऑल। अब हम क्या करते हैं, यहां से कोई भी रेजिस्टेंस अगर निकालें, की निकालेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है सर्किट में एक्टिव हो जाएगा। अभी जैसे मैंने 20 ओम की निकाली है, तो 20 ओम सर्किट जो है दैट विल बी एक्टिव इन द सर्किट। सो 10 और निकाल लिया तो दैट इज 30 ओम। इन दिस वे ये काम करेगा। आगे जो है दैट इज की के। अब ये सारा जो है सेल, एमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड की, ये सभी जो है सीरीज में कनेक्टेड है, याद रखना है। अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट। इसमें हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया या रेजिस्टर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, एक सेल जिसका EMF E1 है और एक की K1। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप याद रखें कि भैया ये जो ड्राइविंग सेल है इसका EMF इस सेल के EMF से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, we will not be getting the null point on this part. हमें null point कभी भी नहीं मिलेगा, ये बात आपने याद रखनी है। Clear है? क्यों ऐसा है? देखो जरा, इसको भी discuss करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहां से start करते हैं हम। हमने क्या करना है, resistance box से एक suitable resistance निकालना है और key को close करना है। जो मर्जी पहले कर लें आप, key को close करें और रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी रेजिस्टेंस निकाल लें इनिशियली। क्लियर? यहां से वैल्यू निकाली और फिर उसके बाद जोकी को इस पॉइंट पे टच कराएं। अगर मैं मान लूं कि इस पॉइंट पे जोकी को टच कराने से गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो करता है, तो फिर जोकी को इस पॉइंट पे टच कराएं, और इस पॉइंट पे टच कराने पे गैल्वेनोमीटर मस्ट शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब सीधी सी बात याद रखनी है आपने कि इन दोनों पॉइंट्स पे जोकी को टच कराने पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर यहां रखने पे राइट में डिफ्लेक्शन आ रही है तो यहां रखने पे लेफ्ट में आनी चाहिए, या अगर यहां रखने पे लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर की, तो यहां जोकी को टच कराने पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन मस्ट कम टुवार्ड्स राइट। क्लियर? ये अगर ऐसा होता है तो हमारा जो हम बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज रेडी फॉर टेकिंग एक्यूरेट रीडिंग, जो एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है दैट इज फाइन। उसके बाद बात आती है इस सेक्शन की, इस हिस्से की, क्या है ये।
अब कहता है की के वन को क्लोज करो। जैसे की के वन को क्लोज करेंगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, इधर नहीं जाएगा। कभी आप सोचें कि भैया करंट यहां पहुंचते डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ऐसा नहीं है, इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस चीज का जवाब कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो ज्यादा होगा, करंट इधर से इधर आएगा और ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे इस सेक्शन में। इस बात पे आपने ध्यान देना है कि इधर से इधर आएगा, यहां से ऐसे कभी नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान दें। अब आगे क्या होता है देखें जरा, इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं हम। हमें पता होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V इज प्रोपोर्शनल टू L, तो V इज इक्वल टू के एल, इसको नंबर वन दे देते हैं। तो कहता है इफ स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, ये टोटल लेंथ जो है बेटा कैपिटल L है, ठीक है, A से लेके B तक की जो लेंथ है दैट इज कैपिटल L। मैं यहां लिख देता हूं ए बी इज इक्वल टू एल लेंथ ऑफ वायर, ये बात आपने ध्यान देनी है, ठीक है जी। तो इसमें वो कहता है कि अगर इस लेंथ का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो करंट थ्रू द वायर क्या होगा, तो हमें पता होता है I इज इक्वल टू V बाई आर होता है वैसे, बट यहां पे क्योंकि ड्राइविंग सेल है EMF, इसका क्या होगा दैट इज E बाई में R, R क्या है दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे ध्यान दें ये कैपिटल R और ये स्मॉल R दोनों ही आपस में क्या है सीरीज में है, सो दिस इज द करंट, इसको नंबर टू दे देते हैं थ्रू द वायर, क्लियर। अब आगे अगर हम चलें तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कितना होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, सो दैट इज आई इंटू आर होता है, क्लियर है, क्योंकि पूरी वायर के अक्रॉस बोला है उसने, ठीक है जी। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, दैट इज अगर देखें तो आई की वैल्यू ये रही, ये यहां यूज कर सकते हैं ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ये हो गया नंबर थ्री, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। अब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की इसी पूरी वायर के लिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे क्या होता है वी बाई एल होता है, बट पूरी वायर के लिए बोल रहा हूं मैं, तो क्या होगा बेटा के इज इक्वल टू वी, अब वी तो ये रहा दिस इज वी, ठीक है, तो वी बाई पहले वी की वैल्यू लिख लो बाई एल, तो दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, कंप्लीट वायर के लिए आ गया, क्लियर। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस पोर्शन के लिए क्योंकि मेरा नल पॉइंट है एट पॉइंट दिस, तो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमें उसके लिए पता होता है वी इज इक्वल टू के एल, मतलब ये जो फोर है यूजिंग इन वन, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं यूजिंग फोर इन वन, या सीधा सीधा यहां लिखें तो v की वैल्यू जो आएगी हमारे पास दैट इज, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फिर अगर आप ये लिख देते हैं तो v इज इक्वल टू के एल, तो k की वैल्यू ये रही e अपॉन r प्लस r स्मॉल r बाई l और इन टू में स्मॉल l, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में निकाला ए एंड दिस नल पॉइंट, क्लियर है। तो आप यहां पे देख सकते हैं अगेन जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द वायर, अगर यही जे पॉइंट यहां मिलेगा तो यहां से लेके यहां लेंथ हो जाएगी, दैट विल बी से एल वन एल टू वट एवर यू वॉन्ट टू से, क्लियर। सो यहां पे हमने देखा कि किस तरह से पोटेंशियोमीटर को यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन, पोटेंशियोमीटर को हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस बेटा, आई होप यू ऑल विल गेट।